हाय देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू सबरोज किचन। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट मिठाई, जो कि फटाफट से बनकर रेडी होती है और बनाने में बिल्कुल ही आसान है। नॉर्मल चॉकलेट भी इसके आगे फीकी पड़ जाएगी। अगर आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा आपका। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे एक बड़ी थाली और बर्तन ले लीजिए और इसमें एक बाउल भर के मैंने डाला है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। किसी भी बाउल का नाप आप रख सकते हैं। सेम साइज़ की जो कटोरी आपके घर में हो वो ले लीजिए और इसके बाद जितना डेसिकेटेड कोकोनट लिया उसका आधा हमें मिल्क पाउडर लेना है और मिल्क पाउडर का आधा हम यहाँ पे डालेंगे शक्कर का पाउडर। अब यहाँ पे मिल्क पाउडर आप चाहें तो एक पूरी कटोरी भर के भी डाल सकते हैं। तो मिठाइयों में अक्सर मावा पड़ता है तो हम मावे की जगह जो है मिल्क पाउडर यूज़ करते हैं। इससे भी जो मिठाई है उसकी रिचनेस बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पहले हम लोग जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है दूध यानी कि मिल्क। तो मिल्क आपको ठंडा लेना है, गर्म बिल्कुल नहीं लेना है। तो दूध 3 से 4 चम्मच मैंने डाला है और इसको मिक्स करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिल्क जो है वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा दूध की यूज़ की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, करीब 4 से 5 चम्मच दूध डाला है मैंने और इसको अब हल्के हल्के हाथों से हमें कंबाइन करते जाना है, मिक्स करते जाना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा क्योंकि आपके हाथों की गर्मी से ही शक्कर जो है उसका पानी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा और मिठाई जो है वो अच्छी बनकर रेडी नहीं होगी। तो बस हल्के हल्के हाथों से हमें इसे इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कंटेनर ले लिया है और ये देखिए, इसके अब हम शेप देंगे इसको। तो आप चाहें तो राउंड शेप भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से सिलिंड्रिकल शेप भी बना सकते हैं। जैसा शेप आपको पसंद हो वैसा आप बना सकते हैं। जो भी बर्तन आप ले, या तो उसे ग्रीस कर लीजिए या इस तरीके का बटर पेपर ले लीजिए। बटर पेपर ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ मैं सारे ही जो शेप है वो बना बना के रेडी करती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने ही प्यारे लग रहे हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन हम इसे देने वाले हैं चॉकलेट ट्विस्ट। तो अब इसकी कोटिंग चॉकलेट से करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 4 चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर की जगह आप डार्क चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं लेकिन कोको पाउडर आसानी से अवेलेबल होता है तो मैंने कोको पाउडर लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है करीब 5 चम्मच मेल्टेड बटर। बस यही एक चीज़ है जिसके लिए आपको गैस चलाना पड़ेगा, बाकी किसी चीज़ के लिए आपको गैस चलाने की ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ के लिए? तो बटर को मेल्ट करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने डाल दी है पिसी हुई चीनी। तो फ्रेंड्स, कोको पाउडर है वो कड़वा होता है खाने में, तो पिसी हुई चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसको टेस्ट कर लीजिए, जब भी आपके हिसाब से मीठा लगने लगे इतनी चीनी आपको इसमें डालनी है। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध। तो दूध से हमें इतना दूध डालना है कि इसका एक क्रीमी सा वेलवेटी टेक्स्चर हमें मिल जाए। दूध डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाइए और इसका इस तरीके का एक वेलवेटी टेक्सचर हमें रेडी करना है। देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना मस्त, है ना मज़ेदार? इस तरीके का हमें टेक्सचर चाहिए जिससे हम अपने मिठाई की कोटिंग करेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, इसमें कोई भी लम्स बाकी नहीं रहे, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये बिल्कुल ही रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब जो मिठाई हमने सेट होने के लिए रखी थी उसको ले लेते हैं। इसे मैंने ऐसे ही बाहर छोड़ा था, फ्रिज में नहीं रखा है। अब इसको एक एक पीस को हम उठा के इसको अच्छे से कोट कर लेंगे और एक फॉक की हेल्प से हम इसे निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा की जो कोटिंग है उसको हल्के हल्के हाथों से हटा लेंगे और इसी तरीके से सारे जो रोल्स है हम चॉकलेट में डिप कर करके कोट करते जाएंगे।
तो फ्रेंड्स इसे मैंने कोट कर लिया है, ये देखिए एकदम ही चॉकलेट जैसा लग रहा है ना। बस अब हम इसे आधा घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपको डीप फ्रीज में रखना हो तो आप 15 मिनट रखिए, और रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं तो आधा घंटा। तो मैंने इसे आधे घंटे के बाद निकाल लिया है और ये देखिए सेट हो चुका है, हाथ पर भी नहीं चिपक रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो चॉकलेट रेडी किया था ना उसमें से थोड़ा बचा लिया था, और इस तरीके का कोई भी पॉलीथीन बैग ले लीजिए, उसमें छोटा सा होल कर लीजिए और इसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे, आप चाहे वैसे डिज़ाइन इस पर बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ही पाइपिंग बैग की तरह काम करेगा ये। कोई भी घर में पॉलीथीन हो या फिर दूध जिस पैकिंग में आता है वो पाउच आपके पास बचा हो तो उससे भी आप इसमें यूज़ में ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इस पर डिज़ाइन करते जाएंगे, और सारे ही जो रोल्स हमने रेडी किए हैं ना उन पर सब पर इसी तरीके से हम डिज़ाइन बना लेंगे। बिल्कुल ही आसानी से बन जाती है। तो सारे ही रोल्स हम कर लेंगे अच्छे से डेकोरेट इस चॉकलेट से, और इसके बाद हम इस पे डालेंगे थोड़े से पिस्ता के टुकड़े। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही मिठाई जैसा लुक दे रही है ना। तो आप भी इसे इसी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो पिस्ता डालिए या फिर काजू है, बादाम है, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेडी है ये मिठाई बनकर, चॉकलेट मिठाई है ना, बनाने में बिल्कुल ही आसान। ये देखिए एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अच्छे से सेट हो चुका है और लग भी बहुत ही टेम्पटिंग रहा है। एक पीस मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है। तो यहाँ पे मैंने एक पीस ले लिया है और इसको नाइफ से कट करेंगे। ये देखिए आराम से कट हो जाएगा ये, और ये देखिए अंदर का टेक्सचर लग रहा है ना मज़ेदार, बिल्कुल ही यूनिक और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, और जितना टेस्टी बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है ये। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान है बनाने में, बच्चे हो या बड़े सभी को ये रेसिपी पसंद आने वाली है, और कोई भी झंझट नहीं है ना चाशनी बनाने का ना कुछ भी। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।